दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि क्लास 12th और 10th का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास है, तो अब उसी को मद्देनजर मैं क्लास 12th का एक कंटेंट उठा रहा हूँ, नाम है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? तो बच्चे वेक्टर आप लोग चूंकि 11th क्लास में फिजिक्स और 12th में फिजिक्स में इसके बारे में आइडिया आपको होगा कि वेक्टर और इसका यूज और इसके जो भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं या आप लोग सीखे हो, लेकिन हम उसी को मैथमेटिक्स में कैसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग अब सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। देखो, तो पहले वेक्टर क्या होता है, हम लोग सीखते हैं क्वांटिटीज। ठीक है, तो बच्चे देखो क्वांटिटीज आपके दो टाइप के होते हैं, तुम्हारे एक क्या होता है जी वेक्टर क्वांटिटी, और तुम्हारे एक क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटीज ये होता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो बहुत हम थोड़ा बेसिक इसी से लेके चालू कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, यानी कि वे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो उसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसी को भाई क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आपके इसमें क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी। ठीक है, फिर तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और भाई तुम्हारा क्या ले लो, फोर्स। ठीक है ना, देखो यह ऐसे क्वांटिटी है जिसमें इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तुम्हारे वे क्वांटिटी होते हैं जिसमें केवल मल्टी मैग्नीट्यूड हो। ठीक ना, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपका भाई तुम्हारे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेशर, है ना, एंड ETC। ठीक है, तो ये आपके होते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें केवल क्या होते हैं भाई, इनका केवल परिमाण होता है, इनकी औकात होती है, इनमें डायरेक्शन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर तुम्हारे क्या क्वांटिटी होते हैं भाई, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चे यह था आपका फिजिक्स के टाइप का, अब हम इसका यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो बच्चे देखो, मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, मान लो मैंने एक लाइन बना दिया एल। ठीक है, यहां देखिए, जब मैंने ऐसे एक लाइन ड्रा किया एल, तो बच्चे देखो हम कहें कि भाई यह लाइन क्या है, तो कहोगे सर दिस इज जस्ट ए लाइन। ठीक है ना, और हम कहें कि भाई इसमें डायरेक्शन क्या है भाई, तो कहोगे सर कि आपने इस ओर तीर लगाया है तो यही इसका डायरेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा। लेकिन बच्चे आप बताओ, क्या इस लाइन का एक फिक्स औकात है कि भाई ये लाइन कहां से कहां तक हो रही है, जा रही है, तो नहीं। ठीक है ना, तो देखो बच्चे क्या होता है ना कि हम जब इस लाइन में एक सेगमेंट ले लेते हैं, चलो मान लो कि मैंने एक सेगमेंट ले लिया यहां से लेके यहां तक का, यानी ये ले लो ए और ये ले लो बी। ठीक है ना, तो देखो ना यह जो आपका है पार्ट है, यह आपका क्या होता है, लाइन का सेगमेंट आ गया। ठीक है ना, और तब हम इसको कह पाएंगे कि भाई देखो ना, इस लाइन सेगमेंट का यहां से यहां तक अपनी एक औकात है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, और इसका दिशा इस ओर है, तो हम इसलिए इसको बोलेंगे कि ए बी जो है तुम्हारा वेक्टर हो गया, क्योंकि इसमें इसका मैग्नीट्यूड भाई आ गया, यहां से लेकर यहां तक मैग्नीट्यूड भी आ गया। ठीक है ना, और देखो इसमें इसका डायरेक्शन भी हो गया, तो ये आपका हो जाता है वेक्टर। ऐसे हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कोई भी लाइन वेक्टर में तब तक नहीं होता जब तक आप उस लाइन में एक सेगमेंट पार्ट ना लो, क्योंकि ना आप लोअर क्लास में सीखे हैं, क्या सीखे हैं भाई, कि जो लाइन होता है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो भाई जब लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होगा तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम जब लाइन में एक सेगमेंट तय करते हैं, एक सेगमेंट हम जब उस लाइन का लेते हैं, मान लो यह तुम्हारा कोई लाइन था। ठीक है ना, तो देखो ना, दिस इज नॉट ए फिक्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो हम जब इसमें इसका एक पार्ट करते हैं,
यह पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ लाइन एंड हियर देयर आर द फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड देयर आर अ डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसको भाई हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो हम ऐसे किसी लाइन को वेक्टर के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो कहोगे सर इसको कैसे हम भाई नोट करेंगे, दर्शाएंगे, तो देखो हम इसको देखो, चूंकि आपने क्या बोला कि ए बी इज ए वेक्टर ना, तो हम इसके ऊपर ऐसे हम एरो लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई, ए बी वेक्टर, क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर, ठीक है ना। और बच्चे देखो ना, हम अगर इसको इसको मान लेते हैं ए, ए मान लेते हैं ऐसे, तो हम इसको क्या लिखते हैं भैया कि ए तुम्हारा क्या है, वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए बोलते हैं इसको, इसको भाई हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बोलेंगे, ठीक है। तो यह था वेक्टर, और वेक्टर को कैसे हम राइट करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला टॉपिक लेते हैं, ठीक है बच्चे। देखो ना, तो यह था ए बी वेक्टर, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, देखो आप कहोगे कि सर हम कैसे इस लाइन ए बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। देखो मैग्नीट्यूड, यहां लिख लो मैग्नीट्यूड, क्या लिख लो भाई, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो बच्चे इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो ना, मान लो तुम्हारे क्या था भाई, ए बी वेक्टर था ना, तो हम जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम इसको ऐसे मोड में लिखते हैं, मोड में, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी या ए बी वेक्टर, या देखो ना हम, देखो हम अगर इस ए बी को यहाँ क्या लिखे, ए से लिखे, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। तो यह था आपका वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और हम अब आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर पे, तो प्लीज पॉज द वीडियो। अब देखिए, देखो ना, मान लो कि मुझे वेक्टर को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो बच्चे देखो, मान लो यह ए है, यह यहाँ पे जो इसका यह पॉइंट है बी है, तो आपने क्या सीखा कि दैट इज कॉल्ड वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर ए बी, है ना, मतलब ए से बी तक। तो बच्चे ना देखो ना, इस वेक्टर में दो नाम आते हैं, देखो ना, यह जहां से शुरू होता है इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ओ आर आर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और बच्चे देखो ना, हम इस पॉइंट को भाई क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग पॉइंट, ओ आर आर फाइनल पॉइंट, ओ आर आर इंड पॉइंट, ठीक है ना। तो वेक्टर में यह कुछ नाम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चे थोड़ा एक चीज देखो, देखो ना, मैंने बोला कि इस लाइन को कैसे हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं, तो आपने क्या सीखा भाई कि हम इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी बराबर भाई, ठीक भाई, अच्छी बात है। तो देखो, तो आपने क्या सीखा कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर में डायरेक्शन होता है। देखो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, थोड़ा सा इसको लिखो अभी कैजुअल में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, और फिर देखो भाई फिर क्या होता है इसमें, इसका डायरेक्शन भाई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखो हम इस चीज को जब मैथमेटिकल जो फॉर्म में जब हम इस लाइन को लिखेंगे तो यह हो जाएगा ए बी वेक्टर बराबर, देखो भाई तुम्हारा यहाँ क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और देखो ना, साथ साथ यहाँ क्या है, डायरेक्शन ना, तो देखो हम डायरेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ए बी कैप लिखते हैं, ए बी कैप लिखते हैं। तो हम देखो इस ए बी कैप का मतलब क्या हुआ कि ए बी का डायरेक्शन। तो देखो ना, मैंने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन के साथ लिखा, तो डेट इज का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, एंड दिस इज का मैग्नीट्यूड, दिस इज का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है ना। अच्छा बच्चे देखो ना, थोड़ा सा हम अगर इसी को मान लो कि ये मेरा वेक्टर ए है, इसको मान लेते हैं भाई क्या वेक्टर ए है, तो दैट इज गिव्स वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू, मतलब वही इसका डायरेक्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, एक है यूनिट कैप, ठीक है ना। तो दिस इज का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना। और बच्चे देखो यहां से, देखो ना, यहां से हम अगर इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालें, यानी कि ए यूनिट वेक्टर, तो ये आपको भाई क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ऐसे हम देखो, ऐसे हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं।
ऐसे हम किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड बताओ हम फाइन करते हैं, ठीक है ना। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ना इस पे एक क्वेश्चन रहते हैं, मान लो यहां लिख दें वेक्टर ए बराबर, देखो मान लो यहां पे ले लें 2i + 3j + 2k, okay, मतलब ऐसे है, मतलब ना यह कोई वेक्टर, मान तुम्हारा यह कोई था, यहाँ पे मैं इसको अगर 2D में चेंज करूं एक्स वाई, ठीक है ना, और मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है P, ठीक है ना, और इस देखो इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 है, क्वाड्रेंट है ना 1, 2, 3, ठीक है ना। तो देखो यहां से हम इसको देखो ना, हम अगर इसको मतलब इस ओपी वेक्टर को हम अगर इस ओपी वेक्टर को, ठीक है ना, हम अगर इस एक्स वाई और चूंकि इसमें 3 है तो इसको हम एक्स वाई जेड अगर कंपोनेंट में हम अगर इसको लिखें, हम अगर इस पॉइंट पी को इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा 1i + 2j + 3k, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ बोला है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए यह हो, ठीक है ना, और मुझे यहां से इसके लिए ए का यूनिट कैप फाइंड करना हो, तो यहाँ देखो तो आपने क्या लिखा है फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। देखो तो पहले हम यहां से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो जब हम किसी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है रूट ओवर, ठीक है, देखो जो ये आई जे के कैप है ना इसके कोफिशियंट का हम स्क्वायर करके सम करते हैं, आई जे के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर करके हम एड करते हैं। तो बच्चे आप यहां देखो दो 2 का जो कोफिशियंट है 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा प्लस जे का कोफिशियंट 3 है, 3 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, k का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, एंड दैट इट गिव्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा जी रूट ओवर 13, ठीक है ना। तो यहां से जो अब मुझे यह a जो मुझे यूनिट वेक्टर a मिलेगा, यह आपका क्या होता है, देखो वेक्टर a, वेक्टर a मेरा कितना था जी 2i + 3j + 2 है, यह 2k है, देखो अपान क्या हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड, और a का मैग्नीट्यूड आपने कितना फाइंड किया है रूट ओवर 13, ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी दिए गए वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं, तो यह था किसी वेक्टर और इसके यूनिट कैप का। तो बच्चे देखिए ना, अभी भी मैंने एक एग्जांपल दिया था वेक्टर a बराबर मान लो 2i + 3j + 2k, मान लो 2k, ठीक है। तो आपके मन में यहां से होगा कि भाई यह आई कैप कहां से आ गया, जे कैप कहां से आ गया, और के कैप कहां से हो गया, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको समझते हैं यहां पे, तो मान लो मैंने 3D में एक ऐसे फिगर में बना देना, 3D में यह मान लो एक्स, यह वाई, ये जेड है, ठीक है बच्चे ना। और देखो यह मान लो भाई इसका क्या है सेंटर यानी ओरिजिन है, तो देखो तो बच्चे देखो ना, अगर मैं इस यक्स डायरेक्शन की ओर अगर मैं केवल अगर देखो अगर मैं एक यूनिट चलूं, ओनली वन यूनिट लेंथ और इस जेड की ओर भी मैं केवल अगर एक यूनिट जाऊं वन यूनिट, और इस वाई की ओर भी हम अगर एक यूनिट जाएं वन यूनिट, तो बच्चे देखो यही आपका वन यूनिट एलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज आई कैप, ठीक है, एंड वन यूनिट अलोंग वाई एक्सिस इज नोन एज जे कैप, एंड वन यूनिट अलोंग जेड एक्सिस इज नोन एज के कैप, यानी कि आई जे कैप और के कैप क्या है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की ओर वन यूनिट के वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहां से आपका आता है यूनिट वेक्टर, तो यहां से भाई क्या होता है, देखो टाइप ऑफ वेक्टर में यहां पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में साहब क्या है, तो यूनिट वेक्टर भाई, देखो यूनिट वेक्टर हम पढ़ रहे हैं भाई क्या होता है। तो देखो कहता है, देखो मान लो ना मैंने कोई एक ऐसा वेक्टर यहां बना दिया, भाई, ठीक है ना, और देखो ना मान लो कि इसकी औकात इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भाई क्या 600 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो बच्चे ना, यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब ना देखो ना अगर ये मेरा वेक्टर 6 मैग्नीट्यूड का था, तो भाई देखना हम जब यहां से केवल अगर
ये एक यूनिट का, ओनली वन यूनिट का हम जब वेक्टर यहां से जब लेंगे तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी कि एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यानी कि देखो मान लो ना ये मेरा वेक्टर ए है मान लो इतना, तो यहां बोलेंगे कि वेक्टर ए बराबर, देखो अगर क्या भाई कितना हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो तो उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। और इसका अभी भी ना पीछे जो आप लोग सीखे हो कि हम जब किसी भी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये होता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जैसे मान लो ना अगर मुझे इस ए बी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना हो इसका, तो ये हो जाएगा ए बी कैप बराबर ए बी वेक्टर अपॉन वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं, मींस कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद से तुम्हारा क्या आता है, नल वेक्टर, ये आपका था फर्स्ट था क्या था भाई यूनिट वेक्टर, सेकेंड तुम्हारा क्या आ रहा है नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। देखो तो नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलते हैं, या इसको कहीं कहीं वाइड वेक्टर बोलते हैं, वाइड वेक्टर है ना, वाइड वेक्टर। तो देखो कहता है कि ऐसा वेक्टर, ऐसा एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए। बोलोगे सर भाई यह क्या होता है, तो आप सिंपल जानो कि भाई देखो ना आप ना यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कोई एक डॉट लगा लो, डॉट एक बिंदु, तो दिस इज कॉल्ड द नल वेक्टर या जीरो वेक्टर या वाइड वेक्टर। जैसे देखो ना यहाँ पे मैंने क्या बोला कि नल वेक्टर ओवर आर जीरो वेक्टर मींस जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट बराबर हो जाए भाई किसके, टर्मिनल पॉइंट के, ठीक है ना। तो उसको भाई हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है भाई ना। और यह किसी एक पॉइंट का ही होता है, देखो ना जहां पे तुम्हारा देखो वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी दोनों भाई क्या यहीं पे कोइंसाइड हो जाए, मतलब बस समझो तो मान लो ना ये तुम्हारा कोई वेक्टर था ए बी, ठीक है ना, तुम्हारा कोई वेक्टर ए बी था, तो मैंने क्या बोला कि भाई देखना अगर इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, तो भाई आप बताओ अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट भाई क्या होगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे देखो ना इसका ए और बी दोनों भाई क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। और इसको हम ऐसे भाई लिखते हैं क्या जी, ए ए वेक्टर या बी बी वेक्टर या सी सी वेक्टर, देखो ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो ना इसका जो इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट बी है और टर्मिनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट सी है और टर्मिनल पॉइंट सी है, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है ना। और बच्चे देखो इसका यूज कहाँ पे आया होगा, तो बहुत साल पहले देखो ना जब मैथमेटिशियन लोगों ने देखो ना अगर कोई मान लो कोई दो वेक्टर था ए, ठीक है ना, और सॉरी मतलब कोई एक वेक्टर मान लो ए है, ठीक है ना, और जब वो इसी वेक्टर में से इसी वेक्टर को जब मान लो कोई माइनस किए, ठीक है ना, तो उनके पास कहीं ना कहीं जीरो मिला होगा, ठीक है ना। और वे सोचे होंगे कि भाई देखो ना चूंकि तुम्हारा एक वेक्टर तुम्हारा ये भी है, तुम्हारा एक वेक्टर ये भी है, ठीक है ना, तो हम जब दो वेक्टर को जब हम माइनस करेंगे तो हमेशा आपको एक वेक्टर मिलना चाहिए, लेकिन देखो बच्चे ना उनको यहाँ पे क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेक्टर ला के सारे नियम खत्म हो जाते थे, क्योंकि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमेशा आपको एक वेक्टर ही मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको केवल कैजुअल में इस जीरो को ही वो जीरो वेक्टर के नाम से कहे, ठीक है ना। और ऐसे जाके जीरो वेक्टर आपके भाई क्या हुआ, लाइट माया यानी कि प्रकाश माया। तो जीरो वेक्टर का यूज केवल बस इस पे इस जगह जब हम सेम सेम वेक्टर को जब माइनस करते हैं तो उसको हम जीरो के ऊपर हम ऐसे वेक्टर वेक्टर का यूज करते हैं और तब उसको बोलते हैं कि मेरा यह जीरो वेक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद से आपका आगे भाई क्या आता है, इक्वल वेक्टर।
तो प्लीज तब तक हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। बच्चे देखो ना, यहाँ पे एक चीज आप और जोड़ सकते थे जीरो वेक्टर में। देखो ना, जीरो वेक्टर का, जीरो वेक्टर में भाई क्या होता है, नो मैग्नीट्यूड होता है। जीरो वेक्टर में नो मैग्नीट्यूड होता है, एंड भाई क्या होता है, अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है, यानी कि डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड डायरेक्शन, यानी कि नॉट डिफाइंड, सॉरी इसको बोलो नॉट डिफाइंड डायरेक्शन, यानी कि जो जीरो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन भाई होती है वह अनडिफाइंड होती है, यानी कि नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। तो यह था प्रॉपर वे में नल वेक्टर के बारे में था। अब हम आगे पढ़ते हैं वेक्टर के और टाइप के बारे में। बच्चे देखो ना, अब हम इसमें आते हैं थर्ड, क्या आता भैया, इक्वल वेक्टर, क्या आता है ऐसा, इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। तो देखिए, मान लो मैंने एक यहाँ पे वेक्टर ले लिया ए बी, ठीक है ना, और यहाँ वेक्टर ले लिया सी डी, ठीक है ना, सी डी। तो देखो कहता है कि दो या दो से अधिक वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं जब इनका फर्स्ट भाई क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। सेकेंड भाई क्या हो, इक्वल नहीं बोलो सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी क्या हो भाई, सेम डायरेक्शन हो, ठीक है ना। और देखो यहां पे एक चीज और जोड़ लो, क्या, सेंस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। तो देखो, तो कहता है कि दो या दो से अधिक वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है ना, और उनका सेम सेंस हो। जैसे मान लो मैं यहां बोल दूं, क्या भैया देखो ना, यहां पे ले लो, देखो टेम्परेचर भाई, मान लो ले लो टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो ना, हम बोले कि सॉरी, ये मतलब ये ले लो फोर्स, मान लो कि मैंने कोई फोर्स ले लिया यहाँ पे, कितना, 5 न्यूटन का, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे प्रेशर ले लिया, प्रेशर कितना भाई, तो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो, तो हम कहें कि भाई बताओ कि क्या यह फोर्स और प्रेशर जिनका क्वांटिटी सेम है, क्या यह दोनों सेम है। तो भाई देखना, आप कहोगे कि भाई नहीं, दिस वेक्टर और देखो ना, अगर इसको प्रेशर मतलब न ले हम कोई चीज, चलो ये भी ले लो प्रेशर, सॉरी ये ले लो, क्योंकि प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ ले लो वेलोसिटी, कितना भाई, देखो 5 न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे ले लो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे देखो ना, हम कहेंगे भाई देखो क्या ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम है, तो कहोगे सर नहीं भाई, देखो ना ये तुम्हारा फोर्स है और भैया तुम्हारा ये क्या है, वेलोसिटी है, तो बोथ आर नॉट सेम बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट सेंस, बट दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक ना, दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड। तो कहने का सेंस ये है कि दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं फर्स्ट जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जब उनका डायरेक्शन सेम हो, और साथ साथ उनका सेम सेंस हो कि भाई वह चीज क्या एक ही वेक्टर है कि नहीं, एक ही क्वांटिटी है कि नहीं, तो हम उनको बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। अब आगे हम क्या लेते हैं भैया, देखो हम आगे लेते हैं, अच्छा बच्चे थोड़ा एक चीज भी इसमें थोड़ा और देखो, देखो मान लो ना मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर ले लिया एक्स वाई, ठीक है ना। देखो मान लो कि इसका भी क्या हो, 5 मैग्नीट्यूड, इसका 5 है, ठीक है ना। देखो और देखो ना, इसका डायरेक्शन थोड़ा हम इसको ऐसे कर लें, तो हम बोले भाई क्या यह ए बी वेक्टर, क्या इस एक्स, क्या यह आपका ए बी वेक्टर क्या एक्स वाई वेक्टर के सेम है, तो भाई क्या ये ए बी वेक्टर इस एक्स वाई वेक्टर के सेम है, तो कहोगे सर नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि भाई क्या है भाई, देखना इनका, देखो मैग्नीट्यूड तो भाई सेम है, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन देखो ना इनका डायरेक्शन सेम नहीं है भाई। देखो देखो ना, तुम्हारा ये भी, तुम्हारा देखो इस ओर है और तुम्हारा एक्स वाई भी क्या इस ओर है ना, यानी कि दोनों का भाई क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं है।
तो हमेशा दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और साथ साथ एक स्पेशल चीज उनका सेम सेंस ऑफ क्वांटिटी मानी सेम सेंस ऑफ क्या वे अगर मैटर होते हैं तब दो या दो से अधिक वेक्टर तुम्हारे क्या होते हैं इक्वल वेक्टर होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं क्या भाई पोजिशन वेक्टर, तब तक हम इसको पोज करते हैं मतलब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना इसको एक चीज से हम आपको समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो मान लो ना कि मैंने ऐसे कोई क्वाड्रेंट यहाँ पे बना दिया एक्स वाई का, मैं कोई क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है बच्चे ना। और देखो बच्चे ना, और ना मान लो कि मैंने यहाँ कोई कोई पॉइंट ले लिया पी, ठीक है ना, कोई मैंने पॉइंट ले लिया पी। तो देखो तो कहता है कि पोजिशन वेक्टर वह वेक्टर है जो ओरिजिन के साथ, ओरिजिन के साथ लोकेट किया जाता है, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि देखो ना अगर देखो ना हम जब किसी पॉइंट को देखो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वह पॉइंट या उसके पोजीशन को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो ना अगर मान लो ना अगर इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो एक्स कामा वाई हो, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई। देखो इसको लिखेंगे ओपी वेक्टर बराबर, मान लो तुम्हारा क्या दिया है एक्स कामा वाई, देखो दिया ना, तो हम अगर इसको इसके कंपोनेंट अगर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक ना। तो यह आपका होता है पोजीशन वेक्टर, मतलब कि जब हम किसी पॉइंट को ना हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चे। अच्छा मान लीजिए बच्चे ना, मान लो कि अगर यह मतलब मैं इसको एक वेक्टर आर से अगर रिप्रेजेंट करूं तो दैट इज का आर वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। तो यह होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा बच्चे ना देखो मान लो कि हम अगर यहां से ऐसे कोई लाइन अगर मैच करें, मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन बना है जो इस एक्स एक्सिस को मान लो यम पे काट रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। और देखो बच्चे ना तो देखो यहां से देखो यह जो आपकी दूरी होती है यह दूरी दैट इज कॉल एक्स वाई, और ये आपको भाई मान लो कितना वाई जे कैप, मतलब इसको अभी खाली ये मानो एक्स वाई मानो, एक्स और वाई मान लो, ठीक है ना। देखो तो हम कहें कि भाई देखो यहां से हम अगर यह वेक्टर आर फाइंड करें, वेक्टर आर फाइंड करें किस में कंपोनेंट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। और देखो ना, और हम अगर यहां से जब हम इस वेक्टर आर का हम अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बराबर, तो भाई देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ना इसमें जो एक्स और जो वाई जो यूनिट कैप है ना उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे हम किसी पोजीशन वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और देखो मान लो ना आप कहोगे सर अगर ये 3D में हो तो देखो ना अगर ये कोई पॉइंट तुम्हारा 3D में ऐसे हो पी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। देखो तो हम अगर इसको ज्वाइन करें विथ ओरिजिन या तो डेट इज कॉल वेक्टर आर, और यहां से मुझे अब यह आ जाएगा वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। और बच्चे ना हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें इस वेक्टर का यानी कि ओपी वेक्टर ओ आर आर जो आर वेक्टर है, हम अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे ओ आर आर ओपी वेक्टर का हम अगर मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, तो हम इसी को इसके है ना जो आई जे कैप और के कैप है तो हम जब इसके कोएफिशिएंट का जब स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो भाई तुम्हारे क्या होता है इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, भाई किसमें तो रूट ओवर यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यह था आपका एक पोजिशन वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर हम जिसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वह तुम्हारा क्या होता है पोजिशन वेक्टर, और हम इसको ऐसे लिखते हैं और हम इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे समझते हैं। अब देखिए अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फ्री वेक्टर। तो बच्चे देखो ना यह फ्री वेक्टर पोजीशन वेक्टर का ही बिछड़ा हुआ भाई होता है, लेकिन पोजीशन वेक्टर अपने घर में होता है यानी कि हम उसको ओरिजिन के साथ ही हमेशा लिखते हैं,
लेकिन जो फ्री वेक्टर भैया है ना, उसका ओरिजिन कभी फिक्स नहीं होता, उसका ओरिजिन या उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं होता है। मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन ना हो उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। लाइक दिस, ऐसे भैया है ना, ऐसे मान लो कोई तुम्हारा ए हो, ये तुम्हारा कोई वेक्टर बी हो, तो देखो दिस इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। बता रहे क्यों था इसमें और चीज है बताए लाइक दिस इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। वी कैन से दिस इज कॉल्ड सी, मान लो डी, दिस इज कॉल्ड भैया ई वेक्टर, मतलब फ्री वेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई देखे ना, जो इसका इनिशियल पॉइंट है वह ओरिजिन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट या ऐसे वेक्टर जिसका ओरिजिन कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, यानी कि ऐसे वेक्टर जिसका ओरिजिन कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं फ्री वेक्टर। और बच्चे एक चीज और जानिए, देखो ना, आप इस फ्री वेक्टर को ना स्पेस में कहीं भी डिस्प्लेस, मतलब उसी डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेस आप कर सकते हो। तो यह आपका था फ्री वेक्टर। देखो मतलब देखो बच्चे ना, मैं बोलूं कि देखो अगर मेरा यह आपका ए बी अगर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो भाई देखो ना, अगर इसको आप लिख अगर आओ यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो भाई देखो ना, अगर यह बी सी वेक्टर तुम्हारा ऐसे है ना, तो हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस हम करके हम इसको ऐसे भी साहब हम लिख सकते हैं। तो यानी कि यहां से मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेक्टर जिसका पोजीशन ओरिजिन न हो, ऐसा वेक्टर जिसका पोजीशन फिक्स न हो, या ऐसे वेक्टर जिसका ओरिजिन फिक्स न हो, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। और हम इसको स्पेस में, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन के हम अकॉर्डिंग हम कहीं भी हम इसको डिस्प्लेस हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम फ्री वेक्टर। अब देखिए, अब आपका आता है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। तो कहता है कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना, मान लो ना, मैं ऐसे कोई एक लाइन ऑफ डायरेक्शन मेरे पास है ना, ये कोई लाइन है, ठीक है ना बच्चे। तो देखो कहता है कि वे वेक्टर जो किसी दिए गए लाइन ऑफ डायरेक्शन के पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर जो किसी दिए गए, मान लो कि तुम्हारे एक्स वाई भाई क्या था, कोई लाइन था ना। तो बच्चे देखो ना, हम इस ए बी वेक्टर को भाई क्या बोलेंगे कि यह मेरा ए बी वेक्टर इस लाइन ऑफ डायरेक्शन एक्स वाई की क्या पैरेलल है, तो हम इसको बोलते हैं कोलिनियर इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। देखो सेम वन, अगर तुम्हारे सी डी वेक्टर है, ठीक है ना, सी डी वेक्टर, मान लो कोई तुम्हारे ई एफ वेक्टर इतना है, ई एफ वेक्टर। तो बच्चे देखो ना, यह सभी वेक्टर ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर और जो आपका ई एफ वेक्टर है, वह एक दिए गए लाइन एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है, तो हम इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। इसको भाई हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अच्छा बच्चे ना, थोड़ा इसमें एक चीज और देखो, देखो मान लो ना कि अगर यह कोई दो वेक्टर ऐसे हो, मान लो कोई दो वेक्टर आपके पास ए बी ऐसे था, ये मान तुम्हारा कोई सी डी वेक्टर भी ऐसे है, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना, हम यहाँ कहेंगे कि भैया देखो, यह आपका ए बी वेक्टर भाई क्या है, पैरेलल है सी डी वेक्टर के, है ना, सी डी वेक्टर के, ठीक है ना। और हम जब इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर ए बी बराबर लेमडा टाइम सी डी वेक्टर। यही तुम्हारा कोलिनियर या पैरेलल होने का कंडीशन होता है कि भाई देखो ना, अगर कोई दो वेक्टर हो, अगर दोनों वेक्टर, देखो अगर मान लो यह कोई वेक्टर ए हो, और अगर कोई यह वेक्टर मान लो ऐसे, सर मेरी बात समझो, मान लो कोई वेक्टर ए है ना, जिसका मैग्नीट्यूड हो भाई 2 यूनिट का, और मान लो भाई कोई तुम्हारा एक वेक्टर बी है जिसका भाई क्या हो, मैग्नीट्यूड भाई कितना हो, 4 का, ठीक है ना बच्चे। तो देखो आप यहां से भाई क्या बोलोगे कि सर देखिए ना, जो वेक्टर बी है वो क्या है, 2 टाइम वेक्टर ए है, कहोगे ना। तो देखो ना, हम इसी को जब इसको जब हम थोड़ा लिखते हैं, तो क्या भाई होगा, वेक्टर बी बराबर कितना, 2 टाइम वेक्टर ए ओ आर आर, वेयर 2 इज एनी स्केलर नंबर, देयरफॉर वेक्टर बी बराबर लेमडा टाइम वेक्टर ए, ठीक ना, लेमडा टाइम वेक्टर है। और ना बच्चे आप देखो ना, यह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 था,
और यह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, चार था, वो था सीम्स लाइक अ पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो यही तुम्हारे क्या होता है, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर होने के सफिशिएंट कंडीशन होता है कि अगर कोई दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर तुम्हारे भाई अगर क्या हो पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं, उनमें से एक वेक्टर लैम्डा टाइम दूसरा वेक्टर होता है, तभी वह वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होते हैं। बच्चे अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो स्पेशल केस के वेक्टर हैं, एक को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर और एक को बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। तो भाई देखो ना, यहां से को माने क्या होता है, समान सा, तो भाई क्या समान, इनिशियल, मतलब कि ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, लाइक दिस ओ, इसको ए मान लो, मतलब ए बी सी डी। तो भाई देखना आप यहां क्या देख रहे हो कि देखो ना, यह जो वेक्टर ए बी है, मान लो वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ये मान लीजिए क्या वेक्टर सी है। तो भाई देखना यहाँ पे वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ए है, वेक्टर बी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वेक्टर डी का भाई क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है। तो ऐसे वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उसी को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट नोन एज द को इनिशियल वेक्टर। भाई अब यहाँ पे हम क्या आते हैं, को टर्मिनल वेक्टर। भाई क्या होता है को टर्मिनल वेक्टर, मतलब देखो ना ऐसे वेक्टर, देखो ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट पे टर्मिनेट यानी खत्म होते हैं, है ना। ऐसे मान लो तुम्हारा वेक्टर ए बी था या सी डी था, मतलब ई एफ है, ठीक है भाई। तो आप यहां देखो, आप क्या देख रहे हो कि देखो ना, जो ये वेक्टर ए है और यह जो वेक्टर बी है, मान लो ये वेक्टर सी है, देखो ना ये सभी देखो किसी एक पॉइंट पे आके एक टर्मिनेट हो रहे हैं यानी कि खत्म हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर, मतलब कि ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो खत्म हो उसको बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर, और ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो यह था वेक्टर के बारे में टोटल डिफिनिशन। अब हम लोग आगे इसमें वेक्टर एडिशन ला और क्रॉस वेक्टर या डॉट वेक्टर जो भी है, हम लोग आगे उसको भी खत्म किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।